प्रेरणा कथा यादों का पिटारा। वो बैग अनछुआ ही कमरे के एक कोने में पड़ा था। 3 महीने से ही वहां पड़ा हुआ था और जब भी वो कमरे में दाखिल होता था अपने पैर से थोड़ा सा और दीवार की तरफ सरका देता था। पुराने चमड़े के उस बैग ने उसके बीते हुए समय के कुछ भाग को बहुत ही पास से देखा था। वो उस बैग को खोलने से डरता था क्योंकि वो जानता था कि उस बैग में से निकलने वाली चीजें उसके दुख में वृद्धि करने वाली थी और उसके सपनों को फिर से ताजा कर देने वाली थी। वो जानता था कि बैग के अंदर का सामान उसको उसके उस भविष्य की फिर से याद दिला देगा जो वो प्राप्त नहीं कर सका था। वो कुछ शब्द तो बोली थी परंतु उसके शब्दों से अधिक प्रभावशाली वो चीज थी जो उसकी आंखों में दिखी थी। वो देखा था कि उसकी हल्की नीली आंखों में वो प्रकाश नहीं था जो हुआ करता था। वो उस कमरे की जमीन की तरफ देखने लगा जहां बैठकर खाना खाया करते थे। उसके दिमाग में हजारों विचार एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो सिर्फ एक वाक्य बोली थी और उस एक वाक्य में संपूर्ण खुशी एक क्षण में ही समाप्त कर दी थी। वो चुपचाप चल दिया था और धीरे धीरे घर की सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया था। अब अपने कमरे में सोने का प्रयास करते हुए उसको बहुत सी यादों ने घेर रखा था। वो आकर उस बैग के पास बैठ गया और उसको देखने लगा। वो बैग ही तो था जो वो लेकर उसके घर से निकल आया था। वो उस दिन वापस अपने घर में आ गया था। वैसे तो दोनों के अपने अपने घर थे परंतु वो ज्यादा समय उसके ही घर में बिताती थी। वो कभी कभी ही उसके घर में रहने के लिए चला जाता था। दोनों के घरों में ही दोनों की चीजें पड़ी रहती थी। उसने अपने बिस्तर पर पड़े हुए अपने सूट को देखा। उसको लगा कि उस सूट के धागों में 5 बरस की यादें दफना दी गई थी। उसने बैग में से अपनी जींस निकाली। उसको याद आया कि जब वो उसके साथ उसके माँ बाप के घर के नीचे के कमरे में रहती थी तो एक दिन उसकी माँ ने ही उस जींस की मरम्मत की थी। फिर आई वो जैकेट जो उस रात अचानक बारिश होने के कारण उसने उसके कंधे पर रख दी थी। वो हंसी भी थी और उसको चुम भी लिया था। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना साथ साथ डिनर किया था। उस दिन के बाद ही तो उनकी प्रेम की कहानी दौड़ने लगी थी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू चमड़े के बैग की ऊपरी सतह को गीला करने लगे। उसके कपड़ों के साथ ही उसके प्यारे कुत्ते के कुछ बाल भी निकल आए। वो कितनी खुश हुई थी उस दिन। वो सफेद कुत्ता उसके लिए उपहार के तौर पर लाया था। उस दिन उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। उस बैग से निकलने वाली कम से कम 5 चीजें तो ऐसे मिल गई थी जो उनकी शादी की 5 सालगिरह से संबंधित थी। उसके कपड़ों में उसकी सुगंध अभी तक बाकी थी। वो हमेशा एक ही सेंट का प्रयोग करती थी। जब उसने अपनी लाल स्वेटर निकाली तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो कभी कभी सर्दियों के दिनों में उसकी वह लाल स्वेटर पहन लिया करती थी। उसमें उसकी खुशबू अभी तक बसी हुई थी। अचानक उसको वो वाक्य याद आया, माइकल तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब हमको अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। मैं डाइवोर्स के पेपर पर हस्ताक्षर कर दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अचानक उसको याद आया कि कोर्ट में पहुंचने का समय हो गया था। उस दिन उसने बहुत पूछा था कि उसने क्या विश्वासघात किया था परंतु वो रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बोली थी। वो उसको कहना चाहता था कि शायद उसको कोई गलत फहमी हुई है पर वो कह ना सका था। उसने सोचा कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। वो उठा और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। उसने बैग की तरफ एक बार फिर बहुत ही प्रेम से देखा और घर से बाहर निकल गया। वो उसको अदालत के बाहर ही मिल गई। वो हिम्मत करके बोला, आज हमारा तलाक हो जाएगा परंतु मुझे सिर्फ इतना तो कह दो कि मेरी गलती क्या है। मैंने तुमसे पहले जिद नहीं की क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। वो हंसी और बोली, ये प्रेम की बात तो तुम करो मत, ये बातें उसके साथ ही करना,
जिसके लिए तुम वो हार और वो ड्रेस लेकर आए थे। कौन सा हार और कौन सी ड्रेस? तुम्हारे चमड़े के बैग में मैंने देख लिए थे, साथ में बिल भी था। वो बिल पुराना था और उस समय हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। इसका मतलब तुम शादी के बाद भी किसी लड़की के साथ थे। ओ माय गॉड, वो उसको गुस्से से देखने लगी। वो फिर से बोल पड़ा, आओ तुमको कुछ दिखाता हूं। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ ले गया। उसने अपने बैग में से एक तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक पुरुष और एक स्त्री खड़े थे। वो हैरान हो गई क्योंकि जो हार और ड्रेस उसने उसके बैग में देखे थे वही उस तस्वीर वाली लड़की ने पहने हुए थे। वो बोल पड़ा, मूर्ख औरत, मेरी मम्मी ने अपनी सहेली की बेटी की शादी में देने के लिए वो हार और ड्रेस मुझसे मंगवाई थी। उन्हीं दिनों मम्मी बीमार हो गई और शादी में नहीं जा सकी। वो चीजें और बिल मेरे बैग में 5 महीने तक पड़ी रही थी। वो बैग हमारे घर के एक कोने में ही पड़ा रहता था। 5 महीने के बाद जब मम्मी उस सहेली की बेटी से मिली तो उन्होंने वो हार और ड्रेस उसको दे दी। तुम उन 5 महीने तक मेरे बैग को खोल खोल कर उन चीजों को देखकर परेशान होती रही। कम से कम मुझसे पूछ कर लिया होता। हे मेरे बैग, वो शर्म से सर झुकाए खड़ी रही। उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी। वो बोला, मूर्ख औरत, अगर किसी और लड़की को वो चीजें देनी होती तो क्या मैं 5 महीने तक उनको अपने बैग में रखता? वो बस इतना ही बोली, मुझे माफ कर दो। कुछ देर बाद दोनों हाथ में हाथ डाले अदालत से दूर होते चले गए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वो रह रहकर उस यादों के पिटारे अपने पुराने बैग को याद कर रहा था। मित्रों, ज्यादातर ये देखा जाता है कि गलतफहमी औरत को ही होती है। शायद इसका कारण है कि प्रकृति ने ही उनको शक्ति मिजाज का बनाया है, या ये भी हो सकता है कि वे अपने पति को हमेशा अपने नियंत्रण में ही रखना चाहती हैं। राय का पहाड़, हाँ यही ठीक रहेगा। ये कला औरतों को बहुत अच्छे से आती है। मर्द भी शक करते हैं, परंतु बहुत ही कम ऐसा होता है, क्योंकि औरत बहुत ही जल्दी सबकी नजरों में आ जाती है अगर कोई गलत संबंध रखती है। पर पुरुष के लिए तो दुनिया बहुत ही बड़ी होती है और वो नजर में नहीं आता। अपने विचार लिख भेजिएगा ताकि कई लोगों के विचार मिलकर कोई ऐसा निष्कर्ष दे दें जो सबके काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।